देखिए, सरकार जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पे कटघरे में खड़ी है, वो जनता का ध्यान वास्तविक समस्या से हटाना चाहती है और ध्रुवीकरण करना चाहती है, जिसका ट्रेलर हम लोगों ने कर्नाटक में देखा। तो ये उनकी कोशिश है, हमें इसमें नहीं, हमारी बैठक होगी, हम बैठक में तय करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होगी। उसके अलावा किसी के विचार महत्व नहीं रखते। जब ये पूरी बैठक हो जाएगी, हमारे सामने कुछ दिखाई तो पड़े, अभी तो कल्पना कल्पना है, जब ड्राफ्ट के फॉर्म में आएगा तब हम उस पर अपने विचार देंगे। सर, आपको लगता बचना चाहिए ऐसे बयानों से, जो अभी जब आप इतने बड़े आपका शीर्ष नेतृत्व बैठक कर रहा है, तो उस बयान से ऐसे बचना चाहिए? मैं समझता हूँ कि मैंने उनका बयान नहीं देखा है, मुझे मालूम भी नहीं किस रेफरेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, पर यह जरूर है कि सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, चीन में जिस तरह अतिक्रमण हुआ है उसने हमें कर रखा है, यहाँ पे मणिपुर पूरा हिंसा की आग में 55 दिन से चला, इसे ध्यान हटाने के लिए सारे मुद्दे ला रही। हमें सचेत होकर बहुत ही 130-140 करोड़ जनता के हित में हम नीति बनाएंगे, निर्णय लेंगे और उसी पर चलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।